होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। गाइस माय न्यू ब्लॉग तो आज का लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ब्रज में इस समय होली है, तो मैंने आप लोगों को बरसानंद गांव की होली दिखा दी। अब हम आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पे, जहां आप लोगों को मैं अभी होली दिखाने वाला हूं। तो अभी जस्ट हमारे बगल में ही श्री कृष्ण जन्मभूमि है, तो हम सब जा रहे हैं अभी अंदर। जो कैमरा लेना वो तो अलाउड नहीं है, बाहर से जितना कवर हो सके उतना तो मैं आप लोगों के लिए कवर कर दूँगा। मेरे पीछे है जन्मभूमि का पार्किंग एरिया। अगर आप यहाँ पे आओ तो आप अपनी बाइक, जो बाइक है बाइक आप अपनी बाहर पार्किंग करना, और जो आपकी कार वगैरह है अंदर पार्क करना, नहीं तो आप लोगों को जुर्माना भी लग सकता है। हम भी इसका शिकार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो जन्मभूमि कुछ इस तरीके से है। तो कुछ सीन आप लोगों को दिखाऊँ, ऊपर की तरफ देखिए तो कुछ इस तरीके से जन्मभूमि है, काफ़ी बड़ा जन्मभूमि है, और उसके बगल में है जामा मस्जिद। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जन्मभूमि है। तो आगे जो मेन गेट है उस पर जाके दिखाता हूँ कितनी भीड़ है, क्या कुछ है। होली का तो माहौल है इसीलिए थोड़ी बहुत यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो होली के कारण काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, आप लोगों को दिखाऊँ तो पुलिस प्रशासन लगी हुई है यहाँ अंदर। जब जाओ तो वहाँ पुलिस प्रशासन, CRPF, BSF काफ़ी सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जामा मस्जिद है, आप लोगों को तो पता ही है मस्जिद का विवाह। तो दिखाता हूँ कितनी भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हो ये इसकी एंट्री गेट, यहाँ काफ़ी चेकिंग के द्वारा अंदर भेजा जा रहा है, और यहाँ चारों तरफ जो पुलिस प्रशासन है वो लगी हुई है। तो मेरे जस्ट बगल में है जहाँ पे वाटर शो होता है कुंड है, तो ये है जन्मभूमि का गेट। यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है होली के कारण, जो होली है यहाँ 14 फरवरी की, लेकिन हम थोड़ा पहले आ चुके हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से चेकिंग चल रही है। तो अंदर जाके दिखाते हैं, अभी सामान गिरे हैं जहाँ हम अपना जो बैग वगैरह है, कैमरा वगैरह वो अंदर रख देंगे, फिर वहाँ से आके जो एक्सपीरियंस रहेगा हमारा वो आप लोगों को बताऊँगा। तो सब्सक्राइबर मिल गए थे पुलिस वाले, हम उनसे बात कर रही थे। और जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का गेट है, तो इसके अंदर अभी एंट्री नहीं है। तो मैं अपना जो सामान वगैरह है उसको पार्किंग एरिया, अगर आप अपना कुछ सामान वगैरह हो तो आप सामान रख सकते हो। जो फ़ोन रखने का चार्जेस है 2 रुपये, और उस तरफ बैग रखने का अलग चार्जेस है जो कि 10 रुपये। तो आप अपना सामान वगैरह रखवा लेना और पर्ची रख लेना, अगर आपके पास कोई बैग हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, सभी कुछ यहाँ पे जमा करा जाता है। तो हमारी जो भाई हैं सभी सामान रखने अपना। तो चलिए अंदर जाता हूँ, फिर जो एक्सपीरियंस रहेगा उसको मैं बताऊँगा। तो ये जस्ट मेरे बगल में विश्राम गृह, अगर आप आओ तो आप यहाँ विश्राम भी कर सकते हो, इंटरनेशनल विश्राम गृह। और जस्ट मेरे पीछे की तरफ है जन्मभूमि, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो देखते हैं अभी वहाँ होली पर क्या माहौल है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो ये हमारे साथ भारत दर्शन ब्लॉग है, तो भाई काफ़ी बड़े ब्लॉगर है भाई, भारत के दर्शन भाई ब्लॉग है, काफ़ी बड़े ब्लॉगर है, और हमारे साथ जा रहे हैं, तो हमारे नसीब की बात है। तो जस्ट मेरे बगल में ही आप देख सकते हो, अगर आप लोगों को सामान खरीदना है श्री कृष्ण से रिलेटेड तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, तो चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से आज जन्मभूमि में, आप लोगों को बताता हूँ, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा हमारा वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। दोस्तों देख सकते हो अभी कुछ भाई मिले थे जन्मभूमि के पास, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम है दिलीप गोस्वामी। कहाँ से आए हो आप? ये यहीं के हैं। आपको मतलब वृंदावन में रहकर कैसा लग रहा है? तो सबसे पहले फिलहाल तो मैं आप लोगों को कुंड लेके जाता हूँ, जो कि जन्मभूमि के जस्ट बगल में ही है, जहाँ पे रात के समय वाटर शो होता है। तो उस कुंड का नाम है पूर्ता कुंड, और मेरे पीछे उस कुंड में जाने का गेट तो आप देख सकते हो। तो चलिए उस कुंड को दिखाता हूँ, काफ़ी माना हुआ कुंड है। तो चलिए उस कुंड की तरफ चलते हैं। तो जो कुंड का जो गेट है आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा गेट है। तो कुछ इस तरीके से जो कुंड का गेट है, तो इसके पीछे जो शाम का समय होता है उस समय वाटर शो होता है। तो चलिए कुंड में दिखाता हूँ क्या कुछ होता है। दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके से कुंड है, तो कुंड का नाम है यहाँ उत्तराखंड, जस्ट बगल में ही जन्मभूमि के। तो देख सकते हो रात के समय यहाँ वाटर शो भी होता है काफ़ी, अभी इस समय नहीं है, अगर आप आओ जन्मभूमि में तो रात के समय आना, काफ़ी बेटर रहेगा, वाटर शो भी देखना, काफ़ी अच्छा वाटर शो इस तरफ होता है। तो ये जो गेट है अभी तुरंत बनाया गया है जन्मभूमि का, कुछ ही दिनों पहले ही। फिलहाल जो हम जन्मभूमि में अब घूम चुके हैं, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, इस समय हमारे जो दर्शन है वो भी हो चुका है। अगर आप आओ तो 4 बजे ही आना। तो आज के लिए कुछ इतना ही, अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। देख सकते हो पीछे की तरफ काफ़ी सारे बोटिंग हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ चारों तरफ बोटिंग वगैरह हो रहा है। ये जस्ट यमुना किनारा, लेकिन पानी ज़्यादा स्वच्छ नहीं है, आप पानी इसको यमुना नदी कह रहे हो चाहे इसको नाला कह रहे हो, इसमें गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी एक साल पहले यहाँ पे कुंभ मेला भी हुआ था।